जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम। और आप सब कैसे हैं? मोक्षदा एकादशी का आपने व्रत किया है तो उसका पारण का टाइम सही क्या है वो आप सुन लीजिएगा, क्योंकि पारण इसलिए किया जाता है कहीं जान अनजान में कोई त्रुटि हो जाए तो पारण के द्वारा उसका प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए एकादशी करने वाले भक्त लोग पारण जरूर किया करें। तो पारण का टाइम ही मैं बता रहा हूँ आपको, और ये भी कहना चाहूँगा, मार्ग शीशे सिद्धे पक्षे भवेद एकादशी तो था किम नाम को भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी के बारे में कहा, गौ सहस्र फलम सोपी पुण्यम प्राप्नोति मानवः। जिन्होंने भी इस एकादशी का व्रत किया है, करते हैं, उन्हें 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं। यस्या श्रवण मात्रेण वाजपेयी फलम लभेत, हमारी इस आवाज को जो सुन रहे हैं मोक्षदा एकादशी के बारे में, उन्हें भी वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो रहा है। पूर्वजों का उद्धार करने वाली ये एकादशी है। इसका पारण कैसे आप करेंगे तो मैं कहना चाहूँगा, यह एकादशी का पारण आप आंवले के द्वारा कीजिए, तुलसी पत्र के द्वारा कीजिए। तुलसी पत्र गंगा जल में डाल करके 3 बार आचमन करें और कहें केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऐसा बोल करके आप आचमन कर लें। जो भी बोले हम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, 3 बार आचमन करते हुए 3 पत्ते आपके मुख में जाएँ, भगवान को प्रार्थना करें, हे प्रभु, जान के तो हम गलती करते नहीं, यदि अनजान में कोई गलती हो गई हो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, और हमने जो एकादशी की है वो आपकी प्रसन्नता के लिए की है, इसके पुण्यों को हम आपके ही चरणों में समर्पित करते हैं। ऐसा आप बोल सकते हैं, अपने पूर्वजों को भी यह एकादशी आप दे सकते हैं, जिससे मोक्षदा एकादशी के द्वारा पूर्वजों का उद्धार होता है, कल्याण होता है। ये हमने वीडियो में संपूर्ण बातें आपको बता रखी हैं। तो पारण का सही टाइम है सुबह 7:30 से लेकर के 9:10 तक, 9:10 समझ लो या 9:30 समझ लो, लगभग यही टाइम है। भोर में सुबह सूर्य निकलने के तत्पश्चात का टाइम है। तो आप एकादशी का पारण जरूर कीजिएगा। बद्रीनाथ में एकादशी प्रकट हुई, उस गुफा का नाम है सिंह का गुफा। सतयुग की बात है, तब से लेकर के आज तक एकादशी का व्रत लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ में करते ही है। मुर नाम के दैत्य को भगवान ने मारा, नाम भगवान का मुरारी हुआ, भगवान के विग्रह से ही एकादशी माता। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय 10 और 11 मन, इसको अपने वश में किया जाता है। लोग अपना ये लोक और परलोक दोनों के दोनों संभाल लेते हैं, सुधार लेते हैं। यह एकादशी का इतना बड़ा प्रभाव है। तो जो 11 का व्रत करते हैं, सच में धरती पर उन्होंने जीवन धारण करने का तो सही सौभाग्य तो उन्होंने ही प्राप्त किया है। पारण वाले यानी द्वादशी के दिन चावल का दान कीजिए, गौ माता की परिक्रमा कीजिए, गौ माता का पूजन जरूर कीजिए, ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराइए, तब ही एकादशी का व्रत अपने आप में पूरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए, और ऐसे आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में चर्चा कर रहे हैं कि प्रदोष कब का है, वह भी वीडियो आप सुन लेंगे, तो ये पारण का टाइम और भी लोगों को जानकारी मिले, इसलिए इस वीडियो को आगे भी लोगों को भेजें, जिससे और लोग लाभान्वित हो सकें। एक प्रार्थना आपसे, वो ये है, घर की पहली रोटी गौ माता के लिए दिए, क्यों? गाय बचेगी तो ही देश बचेगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।